2014 से पहले जब यहां कांग्रेस का राज था, जब हुड्डा जी यहां सीएम हुआ करते थे, तब ऐसा कोई साल नहीं था जब दलितों के साथ अन्याय नहीं होता था। कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। वहां आतंक और अलगाव के चकमा हरियाणा के वीर बेटों ने अपने शरीर पर खाए। कांग्रेस की कुनीति से निकले पत्थर हरियाणा की संतानों पर फेंके जाते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा पहुंचकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 साल की हरियाणा में कांग्रेस सरकार ने किसानों को जमीनों को लूटकर दलालों और दमादों के हवाले कर दिया। वहीं जो भी कांग्रेस की दलित नीतियों के खिलाफ बोलता है, कांग्रेस उसके खिलाफ साजिश करने लगती है। पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा में जो ड्रामा चल रहा है उसे हरियाणा का दलित समाज देख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आरक्षण का विरोध और आरक्षण से नफरत यह कांग्रेस के डीएनए में। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले जब हुड्डा यहाँ मुख्यमंत्री थे, तब ऐसा कोई साल नहीं होता था जब दलितों के साथ अन्याय न होता। अनेक दलितों को जान से हाथ धोना पड़ा और दलित परिवारों की बहू बेटियों पर अत्याचार होते रहे। हर कोई जानता था कि दलितों के खिलाफ इस घिनौने खेल को कांग्रेस ही खाद पानी देती थी। यह तो बाबा साहेब अम्बेडकर थे जिन्होंने दलितों को आरक्षण दिया, वरना ओबीसी की तरह दलितों को भी अपने हक के लिए कांग्रेस की हार का इंतजार करना पड़ता। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता। याद कीजिए 2014 से पहले जब यहां कांग्रेस का राज था, जब हुड्डा जी यहां सीएम हुआ करते थे, तब ऐसा कोई साल नहीं था जब दलितों के साथ अन्याय नहीं होता था। अनेक दलितों को जान से हाथ धोना पड़ा, दलित परिवारों की बहू बेटियों पर अत्याचार होते थे। हर कोई जानता था कि दलितों के खिलाफ इस घिनौने खेल को कांग्रेस ही खाद पानी देती है। और जो भी कांग्रेस की दलित विरोधी हरकत के खिलाफ बोलता है, कांग्रेस उसके खिलाफ साजिशें करने लगती है। ये आज हरियाणा का दलित समाज एक बार फिर हरियाणा के अंदर कांग्रेस का जो ड्रामा चल रहा है उसे देख रही है। साथियों, कांग्रेस ने हमेशा ही दलित, ओबीसी और आदिवासियों को भागीदारी से वंचित रखा है। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर थे जिन्होंने दलितों को आरक्षण दिया, वरना ओबीसी की तरह दलितों को भी अपने हक के लिए कांग्रेस की हार का ही इंतजार करना पड़ता। जब जब कांग्रेस सरकार से दूर रही है, तब तब गरीबों को, एससी एसटी ओबीसी को उनका हक मिला है, और जब जब कांग्रेस सरकार में रही है उसने दलितों पिछड़ों का हक छीना है। कांग्रेस के शाही परिवार से जो भी प्रधानमंत्री बना उसने हमेशा आरक्षण का विरोध किया है। आरक्षण का विरोध, आरक्षण से नफरत, ये कांग्रेस के डीएनए में है। इसलिए आज भी हम देखते हैं कांग्रेस के शाही खानदान की चौथी पीढ़ी भी आरक्षण को हटाने की बात कर रही है। आपको कांग्रेस की आरक्षण विरोधी चालों से सावधान रहना है। साथियों,
बीजेपी ने दलित, ओबीसी और आदिवासियों को सही मायने में भागीदारी दी है। वंचित और पिछड़े समाज के हर व्यक्ति को भाजपा ने हमेशा आगे बढ़ाया। कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है और जब हाईकमान भ्रष्टाचारी है तो नीचे फिर लूट का खुला लाइसेंस मिल ही जाता है। याद कीजिए, 10 साल पहले जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तब क्या होता था। आज जो नए वोटर है ना, 18 साल 20 साल के, उन्हें तो पता तक नहीं होगा कि 10 साल पहले हरियाणा को कैसे लूटा गया था। तब हरियाणा में किसानों की जमीन को जम करके लूटा गया। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। दलालों और दामादों से बचना है तो कमल ही बचाएगा। किस किस कांग्रेस नेता पर आरोप लगे हैं ये आप अच्छे से जानते हैं। आज बॉर्डर पर है, यहां के अनेक संतानें हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में हालात को सामान्य बनाने में मदद की है। वहां आतंक और अलगाव के जख्मा हरियाणा के वीर बेटों ने अपने शरीर पर खाए हैं। अब मत भूलिए, कांग्रेस की कुनीति से निकले पत्थर हरियाणा की संतानों पर फेंके जाते थे। आज जब जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण मतदान होता है तो सबसे अधिक खुशी हरियाणा की वीर माताओं को होती है। लेकिन कांग्रेस और इसके साथियों को जम्मू कश्मीर में शांति पसंद नहीं है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370 आर्टिकल 370 वापस लाना चाहती है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाव को फिर से हवा देना चाहती है। तुष्टिकरण के लिए कांग्रेस देश के दुश्मनों के एजेंडा को भारत में लागू करना चाहती है। ऐसी कांग्रेस को आप हरियाणा के लोग सबक सिखाएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। आर्टिकल 370 को वापस लाना उन वीरों की कुर्बानी का पाठ होगा जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। साथियों, कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों और शोषितों के साथ भी धोखा किया। आजकल कांग्रेस के भीतर यहां जो सिर फुटोवल हो रही है ये पुराने पाकों का ही परिणाम है। जल्द ही मिलेंगे एक नई खबर के साथ। और हाँ, आप हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो करना ना भूलें।